वेलकम अगेन टू द न्यू व्लॉग। सो भाई आज है मंगल का दिन और सुबह से बारिश हो ही जा रही है। हमने सोचा कि आज शाम को अफ्तारी बाहर करेंगे लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमने भी ठान ली थी कि अफ्तारी तो आज बाहर ही करेंगे। हम निकल पड़े अपने छाते लेकर। छाते हमारे पास कम थे और लोग ज्यादा थे इसलिए हमने एक दो छाते दस्ती पकड़ लिए और फिर हम निकल पड़े अपने बस स्टैंड के लिए। फाइनली हम बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहाँ बस में कोई ड्राइवर नहीं बैठा था। हमने वहाँ पर दो दो RMB खुद ही पे कर दिए ईमानदारी से और फिर हम बस के अंदर बैठ गए। फाइनली थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी और हमारा जो है वो आधे से घंटे से 40 मिनट का सफ़र था और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। ये एक बहुत ही बड़ा माल था जिसको हम घूमने और एक्सप्लोर करने आए थे। उसके आसपास बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और एक यूरोप जैसी फीलिंग आ रही थी, हालांकि ये चाइना था। और हम सोच के हैरान हो रहे थे कि चाइना ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिले जो कि आपकी आंखों के सामने हैं। उसके बाद फाइनली हम माल के अंदर दाखिल हुए। माल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था लेकिन हमने अशिया की आइटम्स के रेट पूछे तो वो भी सुनकर हम हैरान रह गए। बहुत ही मतलब कि इंसान की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से इनकी रेट स्टार्ट होते हैं। एक शर्ट का रेट पूछा तो पाकिस्तानी 40,000 से 60,000 के दरमियान बता रहे थे सिर्फ एक शर्ट। उसके बाद कुछ चीनी लोगों से हमारी बातें भी हुई और उनसे काफ़ी गपशप हुई। वो भी काफ़ी खुश हुए पाकिस्तानियों को देख। यहाँ पर हमें 1.5 लाख रुपये की एक शर्ट देखने को मिली और शूज़ के रेट पता किए तो वो भी यही हाल था, 60,000-70,000 रुपये से स्टार्टिंग थी। मतलब कि बहुत ही हैरान कन। हालाँकि इनके रेट ये असल तो ज़ाहरी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा माल है, बस जितने मर्जी ये रेट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ गेम भी खेली, घड़ियों के रेट पता किए तो वो तो हमारी सोच और भी ज्यादा जो है उन्होंने खोल के रख दी। एक एक घड़ी का रेट 6-6 लाख रुपए बन रहा था पाकिस्तानी। उसके बाद फाइनली हमने एक्सप्लोर करने के बाद वहां से निकलने की और वहां से निकल कर हम एक छोटी मार्केट में गए जहाँ से हमने मोबाइलों के रेट पता किए, वो भी काफी सस्ते थे। फिर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, वो भी हमने ड्राई फ्रूट्स भी वहां से कुछ खरीदे जो हमारी जरूरत की थी। मार्केट घूमने के बाद हमने इफ्तारी के लिए किसी रेस्टोरेंट जाना था, मुस्लिम रेस्टोरेंट, तो उसके लिए हम निकल पड़े रेस्टोरेंट के लिए। फाइनली 15 से 20 मिनट के बाद हम जो है वो रेस्टोरेंट पहुंच गए। रेस्टोरेंट काफी अच्छा बना हुआ था, लाइटिंग भी काफी अच्छी थी। फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए और अपनी जगह देखकर वहां पर बैठ गए। लेकिन उस वहां पर 4 लोगों की जगह थी और हम जो है वो 7 लड़के थे तो चीनी लोगों ने हमें ऊपर भेज दिया जहाँ पर जो है एक प्राइवेट सा रूम था और बहुत ही अच्छी सेटिंग की हुई थी। वहाँ पर 7 लोग आराम से बैठ सकते थे और खाने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। जो जो चीज़ पसंद आई हमने मेन्यू से देखकर वो ऑर्डर कर दी और थोड़ी देर बाद वो सारा सामान आ गया। हमने अपनी अफ्तारी की और बहुत ही अच्छा बना हुआ था सब कुछ, हमने रज के। उसके बाद फाइनली हम एक बड़ी सी दुकान में गए जहाँ से हमने कुछ क्राकरी का सामान लेना था, जिस चीज़ की जो जो ज़रूरत थी उसने वो सामान लिया और फिर हम निकल पड़े अपने वापसी के सफ़र के लिए। आज हमें पैदल भी काफ़ी चलना पड़ा और जो है चलते चलते हमारी बस होगी। बस स्टैंड भी वापसी पर काफी दूर था। बस स्टैंड पहुंचकर हमने जो है 512 नंबर बस पकड़ी और वापसी के सफर के लिए निकल पड़े। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, काफी अच्छा एक्सप्लोर किया और काफी अच्छा घूमे फिरे और सफर भी वापसी का बहुत ही अच्छा रहा। आधे घंटे से 40 मिनट का सफर, रात का सफर जाहिर बात है बहुत ही अच्छा रहता है और मुझे वैसे भी जर्नी बहुत पसंद है, इस वजह से मेरा ये सफर भी काफी अच्छा रहा। फाइनली हम रात के अंधेरे में जो है वो अपने हॉस्टल पहुंचे और फाइनली यहाँ पर हमने अपने व्लॉग का एंड किया।